पैन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन करने का प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो और एक सिग्नेचर होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब आपको क्रोम ब्राउजर में NHDL पैन सर्च करना होगा। देन फर्स्ट इंटरफेस इस तरीके से शो हो जाएगा, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NHDL, यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे सेलेक्ट टाइप में यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है चेंजेज आर करेक्शन, यहाँ पे क्लिक करना होगा। कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देना होगा। टाइटल में आप जो भी टाइटल होगा यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपना नाम, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर से होगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, एक मोबाइल नंबर डालेंगे, इंडिया के सिटीजन है तो यस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी आपका पैन नंबर होगा पहले से जनरेट वो यहाँ पे इंटर करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैप्चा डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। एक टोकन नंबर जनरेट होगा, कॉपी करके आपको कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने मन मुताबिक जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। नीचे स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका डिटेल्स शो हो जाता है, जो भी मिसमैच है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देगा रेजिडेंस पे। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर पे क्लिक करके जो भी नंबर है यहाँ पे शो हो जाएगा। एक से अधिक पैन है आपका पहले से इस पर टिक करेंगे, पैन नंबर डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे तीनों को इसमें मैंने यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर दिया है, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, हिमसेल्फ हरसेल्फ सेलेक्ट करना होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें वो नंबर डालेंगे, प्लेस अपना डालेंगे, जो भी प्लेस होगा आज की डेट यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो भी आपकी फ़ोटो की साइज होगी वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 KB तक फोटो की साइज होगी। अपलोड करने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे, जो भी फोटो होगी यहाँ पे आपको चूज करना होगा, अपलोड पे क्लिक करना होगा। इसी तरीके से आप सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। आधार कार्ड की फोटो जो है आपको PDF फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आधार नंबर होगा आगे का 8 वो डालना होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके पूरा कंप्लीट फॉर्म एक बार जो है मैच कर लीजिएगा। उसके बाद अगर कोई भी यहाँ पे गलती पाई जाती है तो आप जो यहाँ पे सबसे नीचे एडिट का ऑप्शन होगा, एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। बाकी सही है तो आपको जो प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे 107 रुपये का पेमेंट होगा, यहाँ पे टिक कीजिएगा, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा, फिर से पे कंफर्म पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद थोड़ी देर वेट कीजिएगा, यहाँ से आप UPI से पेमेंट करते हैं, UPI पे क्लिक कीजिएगा, अपनी UPI आईडी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद @YBL यहाँ पे इंटर करना होगा। जैसे कि UPI आईडी मेरी यहाँ पे देख सकते हैं, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे वेरीफाई हो जाएगा आपको पे पे क्लिक कर देना होगा। पे पे क्लिक करेंगे इस पर नोटिफिकेशन जाएगा, आपको पेमेंट जो है वहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद OTP ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे OTP क्या होगा, इस मोबाइल नंबर पे OTP डाल के आपको जो है यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू विथ ई साइन पे आपको क्लिक करना होगा, फिर से यहाँ पे ऊपर आपको टिक करना होगा, जो भी आपका आधार नंबर होगा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सेंड OTP भी क्लिक करेंगे, OTP फिर से यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना होगा, आपकी जो है फॉर्म शो हो जाएगा डाउनलोड PDF पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना होगा। ओपन करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पे जैसा डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, फॉर्म आपका यहाँ पे शो हो जाएगी। इस तरीके से आप अपना पैन करेक्शन ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं।